नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इंसान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, एक्सेप्ट सैटर्न। तो इस कंडीशन में ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट तो देता है, लेकिन बहुत मेहनती बनाता है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है, खाली बैठना पसंद ही नहीं होता और कभी किसी प्रकार के मेहनत से आनाकानी या किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है, इसको अगर थोड़ा कंट्रोल अगर आप रखें तो लाइफ में कभी भी अनसेटिस्फेक्शन आपको होगा ही नहीं अपने डिसीजन से, क्योंकि लिटिल फिंगर जब होती है तो थोड़ा ये डोमिनेटिंग नेचर देता है। तो इंस्टेंट डिसीजन लेना, फटाफट काम करना, एक समय पर 10 काम को ख़त्म कर देना, ये सब कॉम्बिनेशंस को ये क्रिएट कर देता है। यहाँ पर ये जो सैटर्न फिंगर है, ये आपको न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी देगा। तो झूठ, फरेब, धोखेबाजी, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से, अन्याय से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। और यहाँ लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग में स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा कोई कष्ट परेशानी नहीं देता। आपको मॉनेटरी फंड्स को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी इसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को ही कुल मिलाकर के अच्छा ही व्यतीत करता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में, फर्स्ट फिंगर के लेंथ की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा। गुरु की फिंगर है तो नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव आप जैसे जातकों का होता है, और कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम या नया काम या कोई बड़ा काम करने से पीछे नहीं हटते। अच्छा एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, ये तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण ही जीवन में बड़ा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त करने के योग बनते हैं। और जुपिटर प्योर नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, तो ज्ञान तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपको रहने वाला रहेगा। और आप जब तक हाई पोस्ट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलने नहीं वाला है लोअर ग्रेड की किसी भी प्रकार के काम से। सेल्फ रिस्पेक्ट इस प्रकार का फिंगर बहुत देता है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला प्योर फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में रिलेशन किसी से डिस्टर्ब होने ही नहीं देते, हमेशा हेल्दी रिलेशन देखने को मिलता है आपका सभी से, अधिकतर लोगों से। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स है वो डेवलप्ड क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट को भी दर्शाता है। डिसीजन लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फिंगर के बीच में होने वाले ऐसे गैप अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करते हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ पर कम देखने को मिलता है। और फैलेंजेस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। थंब का साइज भी शॉर्ट है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर आपका जो यव का चिन्ह है, ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी दे देता है। तो पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखना या मुंह से ऐसी बातें निकले जो सच बैठे, ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली रहने वाला है। लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, ग्रेसपिंग स्किल बहुत अच्छी रहने वाली है, और खुद का घर डेफिनेटली आपका क्रिएट यहाँ पर होने वाला रहेगा। और यहाँ पर जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है, वहाँ मांसल कम है, तो फ्लेक्सिबल नेचर भी है, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देने वाले रहेंगे। बातों पर बहुत लंबे समय तक विचार करते रहना या एक बात को लेकर बैठे रहना, ये नेचर में नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट जैसा नेचर, एटीट्यूड अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। पाम का जो आपका साइज है, ये आपके स्क्वेरिश हेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों यहाँ पर आप निश्चित रूप से अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे, और किसी भी प्रकार के हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते हैं। अब जुपिटर माउंट से यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, तो आपके जुपिटर पर रिंग ऑफ सुलेमन की आकृति है, जो ईश्वरीय कृपा को दर्शाता है। इस कंडीशन में आस्था, धार्मिकता बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती देखने को मिलती है। इसलिए दान, धर्म, पुण्य, प्रताप, धार्मिक कार्य जैसी चीज़ों से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। सामने अगर किसी ने हाथ फैला दिया मदद के लिए या फिर भिक्षा के लिए, खाली हाथ जाने नहीं देंगे। इस कंडीशन में समाज में पद, प्रतिष्ठा अच्छा प्राप्त करते हैं, दयालु किस्म का नेचर होता है, तो सोशल वर्क करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, एनिमल लवर, पेट लवर पाए जाते हैं। और अच्छा कनेक्शन, यानी जितने भी समाज में बड़े तख्ते के लोग हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है या जिनके अंडर में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनके हथेल में भी ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा अगर सकारात्मक सोचे या खुद के दम पर कोई काम करें
जिसके अंतर्गत आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, तो ये ईश्वरीय कृपा सिद्ध हो जाती है, क्योंकि आप दूसरों का लाभ दे पा रहे हैं। आपके नेचर में ही है, आपका सोल का फूड ही है दूसरों के चेहरे पे आपके कारण स्माइल होना। तो इस चीज का ध्यान रखें। और ये फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा तो अनसेटिस्फेक्शन ऐसा फॉर्मेशन देता है, फैमिली से ज्यादा सुख नहीं मिल पाता है। मैरिड लाइफ आपकी हालांकि अच्छी रहने वाली है, और यहाँ की और भी आड़ी रेखा है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग क्रिएट करता है। माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन है, लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन है। एम्बिशियस नेचर देता है और हाई थिंकिंग अप्रोच देता है, तो अपने डिजायर या ड्रीम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जुपिटर फॉर्मेशन तो बहुत अच्छा लिए हुए दिख रहा है, और मैरिड लाइफ फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल, और बच्चों से भी बहुत लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि जुपिटर से जब सैटर्न पर लाइन जाती है तो बच्चे बड़े लायक निकलते हैं। यहाँ पर देखेंगे शनि के विषय में, तो शनि पर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी रेखा अवेलेबल है, वो भी वी सिंबल के साइन के साथ है। इसका झुकाव सूर्य की तरफ है, इसलिए नाम इज्जत आप खुद के दम पर अचीव कर पाएंगे। आपका नेचर एक तो ऐसा रहने वाला है कि आप किसी से 2 मिनट बात करेंगे, उसको उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर देना, या उन व्यक्ति के ऊपर अपनी एक पॉजिटिव छाप छोड़ देना। ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली इस कंडीशन में आ जाता है। सूर्य मान सम्मान इज्जत देता है, और जब भाग्य रेखा में से कोई रेखा सूर्य पर जाए, तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी और एंड रिस्पेक्ट, इन तीनों चीज़ों को इंक्रीज करता है। तो इसलिए लाइफ में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं आएगी, लक अच्छा रहने वाला है, नेम रिस्पेक्ट अचीव अच्छा कर पाएंगे। लक लाइन का फॉर्मेशन लाइफ लाइन से कंजंक्ट है, जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ है लाइफ में। सीधी बात, आप अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले। हाँ, इसमें जो है मून लक लाइन का कनेक्शन है, तो स्पाउस का सपोर्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। दूसरा, बाहरी दुनिया लोगों का भी सपोर्ट प्रेम दुलार पर बहुत रहेगा। दूसरों का साथ, करुणा, प्रेम, ये सारी चीज़ें इत्यादि आपको मिलेगी। मन का सारा काम कर पाएंगे, और यहाँ खुद के मेहनत एंड आफ्टर स्पाउस सपोर्ट से आगे बढ़ने वाले रहेंगे। माइंड लाइन पे जब लक लाइन रुकती है, तो अपने खुद के डिसीजन से अपने लक को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ओवरलैप करके रेखा जा रही है, और अभी ये सैटर्न पर पहुँच रही है, तो इसीलिए लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि खुद का मेहनत से आगे बढ़ना है, क्योंकि माइंड लाइन भी आपके खुद के द्वारा लिए गए डिसीजन या खुद के द्वारा किए गए परिश्रम को ही इंडिकेट करता है। तो ये आपका भाग्य यहाँ पर एकदम प्रबल दिखा, कि जितना मेहनत है उससे ज़्यादा ही आपको रिजल्ट प्राप्त होने वाला है। शनि और सूर्य के बीच में इस प्रकार की रेखा गाइडेंस अच्छा दिलवाती है, इसलिए जिस क्षेत्र के बारे में आपको ज्ञान भी ना हो, उस क्षेत्र के बारे में लोग आपके पास आकर के गाइडेंस लेंगे, या सजेशंस लेंगे, या कंसल्ट करेंगे। तो कंसल्टेंसी की लाइन होती है। और सूर्य की स्थिति को देखेंगे, तो सूर्य भी देखिए जीवन आपके जो भाग्य रेखा है उसके उपरांत से ही प्रारंभ हो रहा है। तो आप सबसे पहले तो अपना थिंकिंग बहुत बड़ा रखिए। थिंकिंग बड़ा रखने का मतलब है कि बड़ा सोच, दूरदर्शिता, और जितना हो सके ऐसा काम का सोचिए जिसमें आपके हाथ के नीचे लोग काम करें। क्योंकि जब भी ऐसे फॉर्मेशन किसी के हथेली में पाए जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ खुद के दम पर काम करना होता है, खुद के द्वारा कुछ एस्टेब्लिश करना होता है। इतने काम जीवन में आने लगते हैं कि इम्प्लॉयज रखने पड़ते हैं अपने अंडर में। ऐसी सूर्य रेखा मान सम्मान इज्जत बहुत अच्छी देती है, जो कीर्ति है दूर दूर तक फैलता है। अगर ये है एक प्रकार से, आप यहाँ इंडिया में होते हो, और इंडिया का कल्चर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट जॉब के 100% चांसेस थे, मतलब इस कंडीशन में बनते हैं, क्योंकि ये भी पद प्रतिष्ठा यहाँ पर इसी चीज़ से आकलन किया जाता है। लेकिन फॉरेन से कनेक्शन इस प्रकार का फॉर्मेशन दे रहा है, इट मीन्स कि फॉरेन में 100% सेटलमेंट है, और प्योर रिस्पेक्ट के साथ आपका सेटलमेंट रहने वाला है। इस सूर्य पर एक कमी बस ये देखिए कि एक क्रॉस का साइन आ गया, तो ये पिता से वैचारिक अनबन मतभेद, वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है, क्योंकि छोटे मोटे ग्रेड का काम आप नहीं कर पाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होगा कि जितना रिस्पेक्ट या जितना सक्सेस मिलना चाहिए मिल नहीं पा रहा है। इसीलिए बड़े ग्रेड का काम करिए, ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए, बहुत ज्यादा लाभ है, क्योंकि वी सिंबल का साइन सूर्य पर भी है। लाइफ में इतने सक्षम बन पाते हैं कि पैसा देकर दूसरों से काम कराने की आदत हो जाती है। और मल्टीपल सन लाइन है, फोकस बहुत कम कर देगा, ये आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित करेगा। इस पे ध्यान रखना है, फोकस बहुत स्ट्रांग रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है हर काम में, तब जाकर के लाभ मिलेगा। इसलिए दूरदर्शिता रखकर एक फाइनल डिसीजन लीजिए, और हो सके तो इंडिपेंडेंट वर्क करिए। बहुत ग्रेट सक्सेस है, क्योंकि आपका मरकरी बहुत स्ट्रांग रिएक्ट कर रहा है। मरकरी पर इतनी सारी जब रेखा होती है, ये हॉस्पिटैलिटी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, सभी के लिए द्वार, आप जैसे जातक सभी के लिए अपने द्वार खोले रखते हैं, खुले दिल के होते हैं, बहुत सिंपैथेटिक नेचर,
ये यहाँ पर देता है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा बोलेगा ही नहीं कि पहली बार हम मिल रहे हैं, इतना एक प्रकार से आपका जो नेचर है पोलाइट, अट्रैक्टिव या सिंपैथेटिक या अपनापन वाला रहने वाला है। बहुत प्योर बिजनेस सेंस देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, कम्युनिकेशन में बहुत माहिर बना देता है, कन्विंसिंग स्किल बहुत शानदार देता है, मेमोरी शार्प होती है, इंटेलिजेंसी परफेक्ट हो जाती है, कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में भी ये बहुत ज़्यादा माहिर रखता है। जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर माहौल बना देंगे आप, माहौल की जान बन जाएंगे, तो लोग आपके साथ, आपकी कंपनी, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार का मरकरी तो बिजनेस के लिए ही बना है और इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए बना है। और अगर ये इन सारी चीज़ों से दूर रह रहे हैं, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या खुद का कोई भी काम या खुद का पैशन, हॉबी, इन सारी चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है डिस्टर्बिंग आ सकता है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट वर्क या मन मुताबिक या बिजनेस, ये करने से आप ही को नहीं बल्कि बहुत लोगों को जो है लाभ रहने वाला रहेगा। और वैसे भी ईश्वरीय देन की जब इस प्रकार का जो है एक प्रकार से रिंग ऑफ सुलेमन देखने को मिलता है, तो जैसे ही पब्लिक वेलफेयर के लिए आप जैसे ज्यादा काम करने लगते, ट्रिमेंडस ग्रोथ कंटिन्यू लाइफ में देखने को फिर मिलने लगता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है, तो ज्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल होने जैसे ही योगों को यह यहाँ पर व्यतीत करता है। और यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है ये सीधे के सीधे आपके जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है, जो कि इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है। दिल के बहुत साफ रहेंगे, ऑनेस्ट, लॉयल्टी बहुत अच्छी रहने वाली है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप रहेंगे अपने रिलेशंस के प्रति, और जो भी व्यक्ति आपके प्रति थोड़ा बहुत भी डेडिकेटेड है। तो आप जैसे जातकों को पैसों से कई गुना ज़्यादा वैल्यू रिलेशन, इमोशंस, इन सारी चीज़ों का देखने को मिलता है। धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे, दूसरों को जल्दी माफ़ करने की नीति भी रहती है। आरामदायक जीवन ये डेफिनेटली देता है। और यहाँ से एक शाखा मंगल पर भी हल्की सी कनेक्ट हो रही है, थोड़ा एग्रेशन जरूर खराब रहेगा, लेकिन उम्र 28 के बाद से एग्रेशन पर भी पूर्णतः कंट्रोल हो जाएगा। हार्ट लाइन से जब थोड़ी बहुत ऐसी रेखा नीचे की तरफ है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाता है दूसरों से, बिल्कुल भी ना रखें। आप जैसे जातक सिर्फ देने के लिए आए, तो जितना हो सके दूसरों का भला करिए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं कोई उनके बारे में सोचना विचारना नहीं, क्योंकि ये सन के ऊपर क्रॉस होता है तो धोखा मिलता है अपने लोगों से, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आएगा। और मॉनेटरी फंड्स के रिगार्डिंग रिलेशन कम ही रखिएगा, क्योंकि अपना खुद का दिया पैसा वापस लेने में आपको दिक्कत आ सकता है। माइंड लाइन के विषय में देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन देखा जाए तो एक प्रकार से एकदम सिमिलर चल रहा है, लाइफ लाइन में बहुत चेंजेस हुआ। तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब दिख रहा है यहाँ पर, बचपन में ठीक नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस प्रकार से जब एकदम से ओवरलैप हो जाता है तो हेल्थ में ये माइनर डिस्प्यूट्स ट्रबल देता ही है। लाइफ लाइन में ऐसे चेंजेस होना शुभ होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीज़ों को इनक्रीज कर देता है। लाइफ लाइन के अलावा माइंड लाइन पे देखें तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, जो थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड दे सकता है 33 में। इसके अलावा माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है, तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को इजीली हैंडल टेकल करते हैं, मेमोरी शार्प रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ लेना, कोई भी बात अच्छे से याद रखना, जो भी नॉलेज गेन किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, दूरदर्शिता रख कर जो भी निर्णय लेना तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलना, आप जैसे ज़्यादा तमाम तरह के रिसोर्सेज लाइफ में अच्छे से इकट्ठा कर पाते हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर, इंटेलिजेंसी, सब चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलती है। और मेंटली स्ट्रांग इसलिए होते हैं क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्शन, तो साहस एक्सट्रीम लेवल का होता है। जब जब चुनौतियाँ आएंगे जीवन में तब तब और मजबूत स्थिति में आप आ जाएंगे, और मजबूत तरीके से काम करेंगे, प्रेशराइज सिचुएशंस में और अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, ना कि डिस्टर्ब होंगे। आउटर मार्स की आड़ी रेखा बिल्कुल ये ठीक नहीं होती, क्योंकि ये एग्रेशन के कारण होने वाले मेंटल टेंशन, प्रेशर या गलत डिसीजन या खुद के ऊपर रिग्रेट करने के योगों को भी रिप्रेजेंट करने लगता है। इसीलिए एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है। लाइफ लाइन की स्थिति में बहुत सुधार आ रहा है, अभी नहीं लेकिन उम्र तकरीबन 22 के बाद से और ज़्यादा सुधार आपके आएगा। कंटिन्यू ग्रोथ है उम्र तकरीबन 34 तक आपके जीवन में। और लाइफ लाइन के पैरेलल ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही हैं, इन सबको गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, जो आपके स्पाउस के ही सपोर्ट को इंडिकेट करता है। तो उनके सपोर्ट से जो भी स्ट्रेस वरीज रहेगा या बाहरी दुनिया लोगों के भी सपोर्ट से जो भी स्ट्रेस वरीज है वो सब खत्म होगा, ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस कंप्लीट होंगे। इतनी सारी राहु रेखा स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, रेमेडी भी एक तो सजेस्ट आपको कर दिया जाएगा राहु का,
और दूसरा ये कि सपोर्टिव लाइन है तो बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं रहने वाला है। मंगल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, फोकस अपना अच्छा रखें, क्योंकि जो भी फोकस जो भी एम गोल रखेंगे उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। एग्रेशन थोड़ा ये डेफिनेटली आपको देगा, लेकिन एग्रेशन को भी अगर सेटल्ड कर लें तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। शुक्र भी वेल प्लेस्ड है, लेकिन शुक्र की आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को दर्शाती, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से ही आता है। इससे लाइफ में पीस और हैप्पीनेस कम होने लगता है, तो इसीलिए आपको खुद को ध्यान रखना है कि आप फन लविंग केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी के हैं। जबरदस्ती का टेंशन या ओवर थिंक अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने देना, क्योंकि इससे शुक्र अफेक्ट होता है, तो फिर लाइफ में जो फन, एंटरटेनमेंट या एन्जॉयमेंट जैसी चीज़ों को फिर ये कम कर देता है। ऐसा शुक्र आपका जो डेवलप्ड है, संजीवनी का भी कारक है, तो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और तमाम तरह की सुख सुविधाएं जीवन में देता दिख रहा है। इसीलिए शुक्र को कहीं से कहीं तक कमी नहीं देंगे। इस कंडीशन में यूनिक चॉइसेस, फैशन, ब्यूटी के प्रति अच्छा नॉलेज, साफ सुथरा वातावरण, वस्तुओं का संग्रह करना, गुड इंटीरियर डिजाइनर यानी होना, और ओवरऑल लाइफ में तमाम तरह के सुख सुविधा का लाभ उठाना, यानी लग्जरियस लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब दे रहा है, लेकिन ये जो आड़ी रेखाएं सब इतनी आ रही हैं, फैमिली से कहीं ना कहीं स्ट्रेस हल्का सा आता दिख रहा है। और लाइफ लाइन का बाहर की तरफ झुकाव होना अच्छा है, क्योंकि बर्थ प्लेस से दूर ही पूर्णतः सेटलमेंट व ग्रोथ के चांसेस हैं। चंद्र की आड़ी रेखा जब इस प्रकार से मौजूद हो और शुक्र से हल्का फुल्का भी कनेक्शन आने लग जाए, हालांकि आया नहीं है, तो पेट संबंधी दिक्कत या किसी प्रकार का एडिक्शन लगने का योग फिर बनाता है। इसीलिए गलत संगत, आदत, लोगों या नेगेटिविटी जिस भी प्रकार की हो, उन सबसे दूर अगर रहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा, ये रहा, तो ये भी बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी बनाता है। और इंडिपेंडेंट वर्क का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सन लाइन के अंतर्गत मरकरी लाइन का अब इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मनी ट्रायंगल बनने में ज़्यादा समय नहीं है, ये जैसे ही बनेगा बहुत अच्छा पैसा भी देगा, और सूर्य रेखा आपको नाम इज्जत भी बहुत अच्छा देगा, मतलब देने वाले रहेंगे। और यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है, तो ये भी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा साइन है। जब चंद्र इस प्रकार की आकृति ले तो बातों के शौकीन होते हैं। यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड में आपके लक लाइन के विषय में, तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपका जो लक लाइन है वो सैटर्न तक एक तो पहुंचा है, और मरकरी लाइन भी स्ट्रांग रिएक्ट कर रही है, सूर्य भी स्ट्रांग रिएक्ट कर रहा है। तो आपके ऊपर है, जितना बड़ा सोच, अप्रोच या चीज, जितना बड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में, उतना ग्रेट सक्सेस या उससे ज़्यादा ग्रेट ही सक्सेस मिलेगा। और पूरे के पूरे आपके जो पर्वत है डेवलप ठीक है, तो हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व है, अच्छा रहन सहन, खान पान, सारी चीज़ें जीवन में पर्याप्त आपकी मात्रा में रहने वाली है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा सा जो है मन में अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं निरंतर चल सकती हैं, बाकी इंटरनल पीस जो है, सोल का आपका जो फूड है, वो दूसरों की हेल्प करके आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और बायफोर्क का साइन है, हमेशा एनालिसिस करने की कैपेसिटी आपके अंदर रहेगी, इसीलिए ये कंटिन्यू ग्रोथ को, ये कंटिन्यू अपग्रेडेशन को इंडिकेट कर रहा है, जो आने वाले समय में आपके हर काम में, हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लाइफ सब चीज़ बहुत बेस्ट है, राहु रेखा बार बार आपके हर काम में रुकावट दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हल्की 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 एकदम छोटी छोटी राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी आ रहा है, और ये लाइफ लाइन को काट रहा है, इसलिए लाइफ में रुकावट यानी हेल्थ इश्यू ये दे सकता है। हेल्थ के ऊपर आपको थोड़ा जो है सीरियस रहने की ज़रूरत है, बाकी अनदर सारी चीज़ें अपने आप में सेटल्ड हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।